चले आए आगे बताता हूँ, ये सवाल है नहीं तो इससे हम लोग क्या ले सकते हैं कि अलग अलग हम लोग को जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो रोक रहा है या अलग अलग हम लोग को वो पास्ट की इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा है कि हम लोगों से क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का नॉलेज शेयर कर सके। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि अल्लाह ताला जब आखिरत की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में करते हैं, नोटिस किया आप लोगों ने? नो? यस? किसने नोटिस किए? जी व्हाट्स गोइंग ऑन? जी किसने हाथ खड़ा किया? जी बताएं नाम क्या है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला, कोई मिसाल दें। नहीं वक्त करीब है, ठीक है ये मैं समझ गया हूँ। हाँ जी और जी तो वो अल्लाह ताला ने पांच टाइम में इसलिए बात किया क्योंकि जो भी क़यामत वाला सीन है ये हो चुका, मतलब कंफर्म है अल्लाह ताला ने, मतलब कंफर्म है। नहीं नहीं देखे ना, ये हम ये पाकिस्तान हमें इस तरह सिखाया गया, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, हो चुका मतलब अब कंफर्म है, अब शक नहीं है। भाई शक होना होता तो शक होता, अल्लाह कह रहे हैं हमें क्यों प्रूफ चाहिए? ठीक है मैं आपको मिसाल देता हूं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आवाज का बताया कि वनादा, नादा होता आवाज लगा दी, किसने? असहाबुल जन्ना ने, किसको? असहाबुल नार से बात की, आवाज लगाई उन्होंने, जन्नत के लोगों ने दोजखियों को आवाज लगाई, और जो भी डायलॉग हुआ हमें पता वो लगा चुके हैं, वो आवाज पास्ट में हुआ है वाकया, दिस हैज हैपेंड। ओके एंड्रोमेडा जो आपको नजर आती है कितना डिस्टेंस बताया था? 2.5 मिलियन। अगो एंड्रोमेडा हैड हैपेंड जो हमने आज देखी है, फोर लाइट हमें इतने मिलियन लाइट ईयर के बाद पहुंची है, वो जो तस्वीर हमें नजर आ रही है वो पास्ट टेंस की, पास्ट की है, कितना पास्ट है वो? 2.5 मिलियन लाइट ईयर पास्ट है, समझ लेना। ये पूरी कायनात एक एक जगह पे हमें बता रही है, और कुरान पाक उसी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके हमें बता रहा है। नबी सलाम ने इशा फरमाया मेराज के ऊपर, एक एक वाक्य को ट्रांसलेट करते हुए हमें बताया कि दोजखियों के कौन कौन से सेक्शंस देखे, जन्नतियों के कौन कौन से सेक्शंस देखे, जन्नत दोजख कैसे पहुंच गए वो लोग, सोचें तो सही, यौमुद्दीन ही नहीं भी खड़ा हुआ वो कैसे पहुंच गए? क्या ये फ्यूचर है जो उन्होंने देखा? नो इट्स द पास्ट। बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों की यूनिवर्सिटी में मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग और सवाल भी आप लोगों ने ही पूछ लिए। मुझे ये सवाल का जवाब ऐसे देना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, यानी कि का मतलब है मुझे ये सवाल स्किप करना चाहिए था, और जनरल आंसर आपको ये दे देता हूँ कि अल्लाह ने टाइम सारा देख लिया हुआ है, अल्लाह ताला ने पास्ट टेंस के ऊपर बात इसलिए की है कि मेरे सामने ये सारा वाकया हो चुका हुआ है, अभी भी होश कर लो, तुम्हारे साथ ये होना है, वो खाई मैंने देख ली है, खाई के अंदर गिरे हुए लोग भी देख लिए हैं, अपने आप को संभाल। Okay, I think it's too soon for me to talk to Muslim minds at this. नहीं इसका ये मतलब नहीं, हम प्रेजेंट में ही रह रहे हैं, सर टाइम क्रिएशन है, अल्लाह ताला टाइम से बाहर है, टाइम क्रिएशन। जी जी मैं किसी और दिन लंबी बहस इसी टॉपिक पे करेंगे, मेरा बहुत शौक है और मजबूरी दोनों है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में बार बार आया करूं।
ठीक है, आऊंगा नहीं जब तक कोई टेंजिबल काम फॉलो थ्रू में नहीं नजर आएगा, तब तक नहीं आऊंगा मैं, पहले बता दूं। शुरू कर दिया आपने सोचना, सोचते रहे, बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो, सोचना शुरू कर दिया। ना ग्रुप में मैं ऐसी बातें शुरू कर दी, ये गलती मेरी थी, वीडियो काट दी जाए यहां से। हाँ ना, पूरी दुनिया को तो नहीं मैंने ये कॉन्सेप्ट, ये मैंने सिर्फ क्लोज ग्रुप्स के अंदर मैं आपको डिस्कशन कर लूंगा। आई विल ड्रॉ, मुझे यहाँ पे ना व्हाइट बोर्ड देंगे आप, मैं आपको बताऊंगा हदीसें, कुरान, टाइम, फिजिक्स, मतलब आखिरा का कॉन्सेप्ट देखना कैसे। अभी इसीलिए तो आउट हो गया पाकिस्तानी मुसलमान स्कॉलर, कब्र का तो अजाब ही नहीं होना, दज्जाल कहाँ लिखा है कुरान में, समझ। ये पाकिस्तानी इस तरह आउट होना, उनको उनकी उनको समझ नहीं आ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इखलाकियात में कुरान सीख रहे हैं, वो ईमानियात को समझ ही रहे कि अल्लाह ताला ने हर निशानी हर एंगल से दिखा दी हुई है। स्पेशली ये भी फिजिक्स का सवाल पूछा आपने मेरे से, बाय द वे ये किसका सवाल था, सारे आपके सवाल हैं, बड़े फतूरी आदमी हो वैसे, मतलब ये ज़ेन आपका इस बाकी लोगों का क्यों नहीं पूछा आपने। नाइस, अच्छा बिल्कुल, आई लाइक दिस क्वेश्चन बट नॉट फॉर अ ग्रुप, सम पीपल इन द ग्रुप विल गेट कंफ्यूज एंड देयर विल बी द वर्स्ट थिंग वी कैन डू टू अ मुस्लिम माइंड। ओके कि सर ये क्या पास्ट टेंस में क़यामत हो चुकी है तो फिर तकदीर के सवाल शुरू हो जाएंगे, यू नो ग्रुप में नहीं मैंने करने तकदीर के सवाल जी, मगर जनरल आइडिया समझ आ रहा है आपको बेटा। यस मैं अभी उस बच्ची को ये कहा ना कि हम पास्ट में नहीं रह रहे, हम प्रेजेंट में ही रह रहे हैं, हमारे पे वो वक्त आना है, किसी और पे वो वक्त आ चुका है, ठीक है, वो किसी और के सामने वो वक्त आ चुका है, वो हमें आके बता रहा है, ठीक है, हम पे वहाँ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मत घुमाएं ना अभी प्लीज़, कोई और सवाल मैं आज किसी और दिन आके पूरा आपको बता दूंगा, बल्कि खुद क्यों नहीं पढ़ते आप, मैंने क्या करना आके, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा इंशाल्लाह, मगर आपके समझ मेरे पे वही आई है, मैंने भी तो ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और तो पता चला कि मुअम्मा तो बड़ा आसानी से हल हो जाता है, बट जो बाकी के सवाल थे वो 100% आपकी लाइफ के ऊपर उसी तरीके से अप्लाई हो रहे थे, ये आपकी सोच बढ़ाने का सवाल है, इसलिए ज़रा वो वाले सवालों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि जिनके अंदर आपको टेंजिबल एक्शंस करने पड़ेंगे। सर, ये लास्ट बताया सवाल हो गए।